रेडियो झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। बंसीधर नगर से हमारे संवाददाता अरमान खान की रिपोर्ट। बंसीधर नगर कोरोना वायरस महामारी से पूरा देश त्राहिमाम है। इन दिनों कोरोना वायरस को हराने के लिए जंग चल रही है। प्रवासी मजदूरों के आने का लगातार सिलसिला जारी है। महदैया स्थित निर्माणाधीन जेल में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। प्रवासी मजदूरों के भोजन के लिए अयान रजा ने अनुमंडल प्रशासन को खाद्यान्न उपलब्ध कराकर सहयोग किया है। अयान रजा के परिजनों ने प्रशासन को चावल, दाल, नमक, तेल, मसाला उपलब्ध कराया है। अयान रजा के परिजनों ने कहा कि अनुमंडल प्रशासन के द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को भोजन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई सामाजिक संगठनों के द्वारा भी प्रवासी मजदूरों के लिए सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम भी इस विकट परिस्थिति में अपने प्रवासी मजदूर भाइयों के भोजन के लिए प्रशासन को छोटा सा सहयोग कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आगे भी जरूरत पड़ने पर हमसे जितना बन पाएगा उतना सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को एक साथ मिलकर कोरोना से जंग लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना हारेगा और हिंदुस्तान जीतेगा। डेली न्यूज झारखंड परिवार भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के गाइडलाइन का पालन करें, जिला प्रशासन को सहयोग करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें, अपने अपने घरों के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड यूट्यूब एवं माँ उग्रतारा नेटवर्क के चैनल नंबर 130 पर। हमारे चैनल यूट्यूब फेसबुक पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।